मामले के अनुसार थाना करैल के ग्राम दोस्तपुर में स्कूल से घर वापस आ रहे बच्चों के ऊपर मंदिर की दीवार ढह गई, जिसे दबकर दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरा मामला कुसमरा के ग्राम भूपत का है, जहां ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे बच्चे की दीवार ढहने से दबकर मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए SDM अशोक मौर्य ने बताया कि रात से पानी बरस रहा है और लगातार अभी तक बरस रहा है। बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, रास्ते में मंदिर की कच्ची दीवार जो 15 साल पुरानी थी और मिट्टी से बनी हुई थी, जैसे ही बच्चे उस दीवार के पास आए दीवार गिर गई। इसमें निशा उम्र 9 वर्षीय पुत्री रामहरण निवासी नगला सती, नवनीत 11 वर्षीय पुत्र शिवमंगल निवासी नगला सती की रहने वाली है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और कुमारी सोनम पुत्री रामनाथ निवासी सेलमऊ के दोनों पैर टूट गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वही कुसमरा के नगला भूपत में भी दीवार गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। प्रशासन की तरफ से मृतक के परिवारजनों को 4,4 लाख रुपए की मदद की जाएगी, और जो भी संभव मदद हो सकेगी वो भी प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या घटना हुई थी, पूरी घटनाक्रम बताइए। घटना क्या, बच्चे पढ़ने गए थे स्कूल में और 11-12 बजे लगभग छुट्टी हुई है स्कूल की जी। तो छुट्टी में बारिश हो रही थी उस समय, और बारिश में बच्चे बस वहाँ से स्कूल से निकले, जैसे ही वो एक मंदिर है पास में, तो मंदिर की दीवार कच्ची दीवार, तो बारिश में वो दीवार के किनारे किनारे बच्चे चल रहे थे, सड़क पे पानी भरा था तो दीवार के किनारे चल रहे थे, तो जैसे ही बच्चे दीवार के किनारे गए और दीवार बच्चों के ऊपर गिर गई। कौन सी कक्षा में बच्चे थे और कितनी उम्र होगी? एक बच्चा नवनीत कक्षा 5 का छात्र था जी, और उसकी उम्र 11 वर्ष, और एक बच्ची थी। पानी भैया जी बताएं सर, क्या घटना हुई है, कैसे क्या? यहाँ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, क्योंकि ये बघेरा से और हाईवे को मिलाने वाला ये रोड जब से ये एक्सप्रेस वे बना है तभी तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, लोग इधर उधर से आते हैं। पिछली 27 तारीख को जब सतर्कता निगरानी की बैठक थी, जिलाधिकारी माननीय सांसद के नेतृत्व में सभी MLA थे, तब भी हमने इसका जिक्र किया था कार्रवाई में है, उसके पहले भी समय समय पर कहते रहे, ये दोनों सड़कें बहुत खराब है, लेकिन कहीं भी इस सरकार ने कहीं भी इन सड़कों का सुधार नहीं हुआ, और उसी का परिणाम है कि ये खराब सड़क के कारण जब ये गाड़ी जा रही थी तो बच्चे किनारे हो गए और बदलाव। अच्छा सर, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सड़क अभी भी पूरी तरह बहुत खराब है, आगे भी यहाँ से नगला सेवारा में क्या है, नगला सदी पे भी एक दुर्घटना होने की अभी संभावना है, जहाँ पानी भरा हुआ है। ये बघेरा से सड़क शुरू होके जी, और आगे चल के ढोरा और फिर आगे जाके में मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है ये, 90-100% लॉस हो गई है, पैदल चलने लायक नहीं है, तो बगल से सरसे ही होकर लोग निकल जाते हैं, तो ये निकलने। अच्छा सर, इसके लिए क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं सर इस घटना को, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना के लिए? इस सड़क के लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदार है, इन्हें केंद्रीय सड़क निधि से रुपया मंगा के, और इसमें पूरी लापरवाही है, उपेक्षा का व्यवहार है मैनपुरी इन 2-3 जनपदों के प्रति, जो सरकार रवैया अख्तियार किए है बहुत खराब है, अन्यथा की स्थिति में ये सड़कें बन जानी चाहिए। क्या घटना हुई है? आज दोस्तों गांव में करीब 1 और 1.5 के बीच में जी, लगभग 1:40 के पे जी,
यहाँ पे प्राइमरी स्कूल दोस्तपुर एक पड़ता है करहल तहसील में जी। तो रात से ही पानी बरस रहा, अभी पानी बरस ही रहा है। यहाँ बच्चे आए थे, तीन बच्चे, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ करके गांव में गए थे ट्यूशन पढ़ने, और ट्यूशन पढ़ के आ ही रहे थे कि गांव स्कूल जो था उसकी बाउंड्री से सटे हुए मंदिर की बाउंड्री एक लगी हुई थी, जो कच्ची दीवार थी 10-15 साल पुरानी मिट्टी गारे की बनी हुई। जैसे बच्चे उस मंदिर के ठीक सामने उस दीवार के पास आए, वो दीवार का एक भर्रा गिर गई, जिसमें कुमारी निशा पुत्री राम आधार 9 वर्ष, ये नगला सती रहने वाली है, ये ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई बिटिया। नवनीत पुत्र शुभमंगल 11 साल के थे, ये भी नगला सदीक रहने वाले थे, इनकी भी ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। और कुमारी सोनम पुत्री रामनाथ जो सैला मऊ रहने वाली है, इसके दोनों पैरों में चोट लग गई है, फ्रैक्चर होने की उम्मीद है, दोनों पैर इसे खराब है, बाकी वो सुरक्षित। क्या कार्रवाई की जा रही सर इस पे? कार्रवाई चूंकि ये गांव वालों की बनाई गई मंदिर की बहुत पुरानी दीवार है, तो इसकी जांच होगी। और दूसरे ये है कि तत्काल हम जो मृतक हैं उनके आश्रितों को शासन के द्वारा अनुमन्य जो राशि है 4 लाख रुपए प्रति बच्चे डेथ होने पर दी जाएगी, और प्लस घायल को अलग से उनको जो भी सहायता होगी अनुमन्य होते थे 24 घंटे के अंदर हम इस सहायता।